तीसरे चरण का मतदान हाथरस में शुरू होने के लिए कुछ ही दिन बाकी है। 7 मई को होने वाले हाथरस में लोकसभा चुनाव को लेकर अलीगढ़ के लोकसभा गठबंधन प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने सातो जातियों के साथ मिलकर हाथरस के गठबंधन प्रत्याशी का समर्थन करते हुए कहा कि वह कल 11 बजे लगिसवक की पुण्यभूमि गोंडा और 12:30 बजे करीब गौरी क्षेत्र की पुण्यभूमि श्यामगढ़ी गौरई में जाकर विशाल चुनावी सभाएं संबोधित करेंगे और साथ ही इस दौरान लोगों से आह्वान करेंगे कि सवाल भाजपा के कैंडिडेट का नहीं, सवाल चौधरी बिजेंद्र सिंह और उन सातो जातियों की उस इज्जत का है जो पूरे देश में एकता और भाईचारे की मिसाल से जानी जाती हैं, जिसके चलते कल से चुनाव के लिए जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। आगे अलीगढ़ गठबंधन प्रत्याशी बिजेंद्र सिंह ने हाथरस के समर्थन में जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस से पहले तो पूरे देश की दुनिया की प्रेस को बधाई देना चाहिए। विषय बड़ा अहम है। लोकसभा क्षेत्र हाथरस बेशक रिजर्व सीट है, लेकिन बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होगा, क्योंकि उसी क्षेत्र में मेरी पेरेंटल कर्मभूमि जन्मभूमि देश और दुनिया में जाने वाली विधानसभा क्षेत्र इलास आती है और उसी में काका हाथरसी बड़ी बड़ी दिग्गज प्रश्नियां भी हैं। कल से उस क्षेत्र में मेरी चुनावी विशाल सभाएं होंगी। मैं आह्वान करके कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जनता से, किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से, सब समाज के लोगों से, कि बिजेंद्र सिंह को आपने सम्मान बना के खड़ा किया अपना, और ऐसे लोग जो आपके सम्मान के खिलाफ चालबाजी करते हैं और भाजपा के उम्मीदवार का चुनाव क्षेत्र कभी रिश्ता न रहा, न विधानसभा में रहा, लोकसभा में रहा, उनकी पार्टी ने क्या नहीं किया है किसान मजदूर नौजवानों के साथ, अगर वहां से इन्होंने जमानत जब्त करके सातों जात के लोगों ने दलकर राजनीति ऊपर उठ करके इस तरीके से यहां काम किया है, वही नहीं किया तो फिर खाता क्षेत्र के माथे पर कलंक लग जाएगा। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करके कहना चाहता हूं, लोग उठें और करारा जवाब दें। जब इजलास का सारा सम्मान पूरा का पूरा लिया लोकसभा में चुनाव लड़ रहा था, तब इसी उम्मीदवार अनु वाल्मीकि ने उनके सम्मान के खिलाफ बड़ा काम करना कर दिया, उसका जवाब अब इजलास और पूरी हाथरस की लोकसभा क्षेत्र की जनता ने। चौधरी साहब के सपूत पोते जैन चौधरी साहब में उनके साथ हाथरस में कितना लाठी डंडा को चला, ये देश में किसी छिपा नहीं है। उन्हें याद हो न होने के मुझे याद है कि कैसी उनकी सेवा की गई थी। चौधरी साहब के साथ में भी उस क्षेत्र में भाजपा ने क्या किया था, इगलास में क्या किया, सिवाय बेइज्जत करने के अलावा कुछ नहीं किया। और आप दिल्ली लखनऊ के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करते हैं, कौन सी दिल्ली, वही दिल्ली के लोग, 750 किसानों ने शहादत दे दी, कुछ नहीं मिला, किसानों की पेटियां चिल्ला चिल्ला के देश के सामने चिल्लाते नहीं, इज्जत आबरू को ललकारा, अब तक शब्द नहीं बोले, नौजवान जो मिलती भी जाते थे अंत भी बना के छोड़ दिए गए, इलास में एक निशानी तक नहीं है आज तक मेरे आने के बाद, उन्हें वोट मांगने का भी हक नहीं है उस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा इलास में। कल से हमारी चुनावी रैलियां शुरू होंगी, 2 दिन ताबड़तोड़ मेरी मीटिंगें होंगी और इन्हें करा, मुझे उम्मीद नहीं, आशा विश्वास है कि फिर दोबारा विधानसभा क्षेत्र इलास के लोग, सादाबाद के लोग, लोकसभा के लोग इतिहास रचेंगे। एमपी साहब, जहां एक तरफ दिलेर साहब का टिकट काट दिया गया तो ये भी घटनाक्रम कहीं ना कहीं, घटनाक्रम नहीं है, हत्या है, हत्या, जिसका आप 4 बार सांसद रहे हो, 4 बार एमएलए रहे हो, बेटा एमएलए एमपी रहा हो, उसका कोई आरोप भी नहीं था, ये जानबूझ करके इन्हीं लोगों का खेल था दोनों का। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि ये भाजपा के उम्मीदवार और अलीगढ़ के माननीय जो एक्स हो गए या होने जा रहे हैं, इन्हीं दोनों का खेल था, वरना वो कभी प्राण इस तरीके से नहीं त्यागता। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा और इसका जवाब वोट की ताकत से सातो जात के लोगों को, उन लोगों को जो लोग उनके बाप को उनको प्यार करते हैं,
जिनके साथ पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दी, उन्हें वोट की ताकत से हरा के जवाब देना चाहिए। मैं भी ये कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है ऐसे लोगों को बिदा करने का। और इन्होंने वैसे भी हक नहीं था, ये खुद एमएलए मंत्री है। अरे एमएलए मंत्री छोड़ के भाग रहा है सांसद बनने के लिए, इसका मतलब तुम फेल हो चुके हो। जब खैर में फेल हो गए तो यहां तो फेल हो ही जाओगे, तो इसको तो वोट मांगने का हक नहीं, जनता को देना भी नहीं चाहिए। यहीं से शुरुआत कल होगी मेरी। और मैं तो वैसे भी बता दूं आपको, आंधी या गठबंधन की आंधी कोई ये ना समझ बैठे क्या अनु है। अनु अनु कुछ नहीं है, समीकरण उसके फेवर में है जैसे यहां मेरे फेवर में थे। 2 लाख वोट बघेलों का है, 2 लाख मुस्लिम में है, किसान खिलाफ है, महंगाई से त्रस्त है लोग, गद्दारी की है, दलितों को मिटा दिया है, बचा क्या है? यादव वहां है, बघेले वहां है, बचा क्या है? इंटर करंट चल रहा है बहुत जोर से, और हरा देना चाहिए इनको। रिश्ता हमारा किसी व्यक्ति से नहीं, हम उस ताकत के खिलाफ है जो हमारे हम अपमान करती है, हमको मिटाना चाहती है। धन्यवाद। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।